चील और मुर्गी एक जंगल में बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर चील घोंसला बनाकर रहती थी जहाँ उसने अंडे दे रखे थे। उसी पेड़ के नीचे एक जंगली मुर्गी ने भी अंडे दे रखे थे। एक दिन उस चील के अंडों में से एक अंडा नीचे गिरा और मुर्गी के अंडों में जाकर मिल गया। समय बीता, अंडा फूटा और चील का बच्चा उस अंडे में से निकला और वह सोचते बड़ा हुआ कि वो मुर्गी है और बाकी मुर्गी के बच्चों के साथ बड़ा हुआ। वह उन्हीं कामों को करता जो एक मुर्गी करते हैं। वो मुर्गी की तरह कुड़कुड़ाता, जमीन खोद कर दाने सूखता और वो इतना ही ऊँचा उठ पाता जितना मुर्गी ही उड़ती है। एक दिन उसने आसमान में एक चील को देखा जो बड़ी शान से उड़ रही थी। उसने अपनी मुर्गी माँ से पूछा, उस चिड़िया का क्या नाम है जो इतना ऊँचा बड़ी शान से उड़ रही है? मुर्गी ने जवाब दिया, वह एक चील है। फिर चील के बच्चे ने पूछा, माँ मैं इतना ऊँचा क्यों नहीं उड़ पाता? मुर्गी बोली, तुम इतना ऊँचा इसलिए नहीं उड़ पाते क्योंकि तुम एक मुर्गी हो। उसने मुर्गी की बात मान ली और मुर्गे की ज़िंदगी जीता हुआ एक दिन मर गया। कहानी से सीख, जो भी हम सोचते हैं या कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो दूसरे हमें यह कहकर रोकते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं सोचता, और हम अपना इरादा यह सोचकर बदल लेते हैं कि वाकई मैं यह नहीं कर सकता और हार मान लेते हैं। इसका मुख्य कारण अपने ऊपर भरोसा न होना, अपनी शक्तियों पर भरोसा न होना, अपने काम पर भरोसा न होना। दोस्तों, जो लोग कहते हैं कहने दीजिए, लोगों का काम है कहना। अपने आप पर भरोसा रखें, अपने आप को पहचानें। दोस्तों, अगर जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। बहादुर हो कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते।